पुरुषार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम तीर्थ यात्रा पर्व 132वां अध्याय अष्टावक्र के जन्म का वृत्तांत और उनका राजा जनक के दरबार में जाना। जब पेट में गर्भ बढ़ रहा था उस समय सुजाता ने उससे पीड़ित होकर एकांत में अपने निर्धन पति से धन की इच्छा रखकर कहा, महर्षि यह मेरे गर्भ का 10वां महीना चल रहा है, मैं धनहीन नारी खर्च की कैसे व्यवस्था करूंगी? आपके पास थोड़ा सा भी धन नहीं है जिससे मैं प्रसव काल के इस संकट से पार हो सकूं। पत्नी के ऐसा कहने पर कहोड़ मुनि धन के लिए राजा जनक के दरबार में गए। उस समय शास्त्रार्थी पंडित बंदी ने उन ब्रह्म ऋषि को विवाद में हरा कर जल में डुबो दिया। जब उद्यालक को यह समाचार मिला कि कहोड़ मुनि शास्त्रार्थ में पराजित होने पर सूत के द्वारा जल में डुबो दिए गए हैं, तब उन्होंने सुजाता से सब कुछ बता दिया और कहा, बेटी अपने बच्चे से इस वृत्तांत को सदा ही गुप्त रखना। सुजाता ने भी अपने पुत्र से उस गोपनीय समाचार को गुप्त ही रखा। इसी से जन्म लेने के बाद भी उस ब्राह्मण बालक को इसके विषय में कुछ भी पता न लगा। अष्टावक्र अपने नाना उद्यालक को ही पिता के समान मानते थे और श्वेत केतु को अपने भाई के समान समझते थे। तदनंतर एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी और वे पितृतुल्य उद्यालक मुनि की गोद में बैठे हुए थे, उसी समय श्वेत केतु वहां आए और रोते हुए अष्टावक्र का हाथ पकड़कर उन्हें दूर खींच ले गए। इस प्रकार अष्टावक्र को दूर हटाकर श्वेत केतु ने कहा, यह तेरे बाप की गोद नहीं है। श्वेत केतु की उस कटूक्ति ने उस समय अष्टावक्र के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने घर में माता के पास जाकर पूछा, मां मेरे पिताजी कहां हैं? बालक के इस प्रश्न से सुजाता के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसने शाप के भय से घबराकर सब बात बता दी। यह सब रहस्य जानकर उन्होंने रात में श्वेत केतु से इस प्रकार कहा, हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलें। सुना जाता है उस यज्ञ में बड़े आश्चर्य की बातें देखने में आती हैं। हम दोनों वहां विद्वान ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ सुनेंगे और वहीं उत्तम पदार्थ भोजन करेंगे। वहां जाने से हम लोगों की प्रवचन शक्ति एवं जानकारी बढ़ेगी और हमें सुमधुर स्वर में वेद मंत्रों का कल्याणकारी घोष सुनने का अवसर मिलेगा। ऐसा निश्चय करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धिशाली यज्ञ में गए। अष्टावक्र की यज्ञ मंडप के मार्ग में ही राजा से भेंट हो गई। उस समय राजसेवक उन्हें रास्ते से दूर हटाने लगे, तब वे इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अष्टावक्रियोपाख्यान विषयक 132वां अध्याय पूरा हुआ। 133वां अध्याय अष्टावक्र का द्वारपाल तथा राजा जनक से वार्तालाप। अष्टावक्र बोले, राजन जब तक ब्राह्मण से सामना न हो तब तक अंधे का मार्ग, बहरे का मार्ग, स्त्री का मार्ग, बोझ ढोने वाले का मार्ग तथा राजा का मार्ग उसके जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि ब्राह्मण सामने मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण कुमार लो मैंने तुम्हारे लिए आज यह मार्ग दे दिया है, तुम जिससे जाना चाहो उसी मार्ग से इच्छानुसार चले जाओ। आग कभी छोटी नहीं होती, देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मणों के आगे मस्तक झुकाते हैं। अष्टावक्र बोले, राजन हम दोनों आपका यज्ञ देखने के लिए आए हैं। नरेंद्र इसके लिए हम दोनों के हृदय में प्रबल उत्कंठा है। हम दोनों यहां अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और इस यज्ञ में प्रवेश करने के लिए हम तुम्हारे द्वारपाल की आज्ञा चाहते हैं। इंद्रद्युम्न कुमार जनक हम दोनों यहां यज्ञ देखने के लिए आए हैं और आप जनकराज से मिलना तथा बात करना चाहते हैं, परंतु यह द्वारपाल हमें रोकता है, अतः हम क्रोध रूप व्याधि से दग्ध हो रहे हैं। द्वारपाल बोला, ब्राह्मण कुमार सुनो, हम बंदी के आज्ञा पालक हैं, आप हमारी कही हुई बात सुनिए। इस यज्ञशाला में बालक ब्राह्मण नहीं प्रवेश कर पाते हैं, जो बूढ़े और बुद्धिमान ब्राह्मण हैं उन्हीं का यहां प्रवेश होता है।
अष्टावक्र बोले, द्वारपाल, यदि यहां वृद्ध ब्राह्मणों के लिए प्रवेश का द्वार खुला है तब तो हमारा प्रवेश होना भी उचित ही है, क्योंकि हम लोग वृद्ध ही हैं। हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तथा हम वेद के प्रभाव से भी संपन्न है। साथ ही हम गुरुजनों के सेवक जितेंद्रिय तथा ज्ञान शास्त्र में परिनिष्ठित भी हैं। अवस्था में बालक होने के कारण ही किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं बताया गया है, क्योंकि आग की छोटी सी चिंगारी भी यदि छू जाए तो वह जला डालती है। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम वेद प्रतिपादित एकाक्षर ब्रह्म का बोध कराने वाली अनेक रूप वाली सुंदर वाणी का उच्चारण करो और अपने आप को बालक ही समझो। स्वयं ही अपनी प्रशंसा क्यों करते हो? इस जगत में ज्ञानी दुर्लभ हैं। अष्टावक्र बोले, द्वारपाल, केवल शरीर बढ़ जाने से किसी की बढ़ती नहीं समझी जाती है। जैसे सेमल के फल की गांठ बढ़ने पर भी सारहीन होने के कारण वह व्यर्थ ही है। छोटा और दुबला पतला वृक्ष भी यदि फलों के भार से लदा है तो उसे ही वृद्ध जानना चाहिए। जिसमें फल नहीं लगते उस वृक्ष का बढ़ना भी नहीं के बराबर है। द्वारपाल ने कहा, बालक बड़े बूढ़ों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और समयानुसार वे भी वृद्ध होते हैं। थोड़े समय में ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, अतः तुम बालक होकर भी क्यों वृद्ध की सी बातें करते हो? अष्टावक्र बोले, अमुक व्यक्ति के सिर के बाल पक गए हैं, इतने ही मात्र से वह बूढ़ा नहीं होता है। अवस्था में बालक होने पर भी जो ज्ञान में बढ़ा चढ़ा है उसी को देवगण वृद्ध मानते हैं। अधिक वर्षों की अवस्था होने से, बाल पकने से, धन बढ़ जाने से और अधिक भाई बंधु हो जाने से भी कोई बड़ा हो नहीं सकता। ऋषियों ने ऐसा नियम बनाया है कि हम ब्राह्मणों में जो अंगों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करने वाला तथा वक्ता है वही बड़ा है। द्वारपाल, मैं राजसभा में बंदी से मिलने के लिए आया हूँ। तुम कमल पुष्प की माला धारण किए हुए महाराज जनक को मेरे आगमन की सूचना दे दो। द्वारपाल, आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे, साथ ही विवाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। आज संपूर्ण सभासद चुपचाप बैठे रहें तथा राजा और उनके प्रधान पुरोहितों के साथ पूर्णतः विद्वान ब्राह्मण मेरी लघुता अथवा श्रेष्ठता को प्रत्यक्ष देखें। द्वारपाल ने कहा, जहां सुशिक्षित विद्वानों का प्रवेश होता है उस यज्ञ मंडप में तुम जैसे 10 वर्ष के बालक का प्रवेश होना कैसे संभव है? तथापि मैं किसी उपाय से तुम्हें उसके भीतर प्रवेश कराने का उपाय करूंगा। तुम भी भीतर जाने के लिए यथोचित प्रयत्न करो। ये नरेश तुम्हारी बात सुन सके इतनी ही दूरी पर यज्ञ मंडप में स्थित हैं। तुम अपने शुद्ध वचनों द्वारा इनकी स्तुति करो, इससे ये प्रसन्न होकर तुम्हें प्रवेश करने की आज्ञा दे देंगे तथा तुम्हारी और भी कोई कामना हो तो वे पूरी करेंगे। अष्टावक्र बोले, राजन, आप जनक वंश के श्रेष्ठ पुरुष हैं, सम्राट हैं। आपके यहाँ सभी प्रकार के ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं। वर्तमान समय में केवल आप ही उत्तम यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं, अथवा पूर्व काल में एकमात्र राजा ययाति ऐसे हो चुके हैं। हमने सुना है कि आपके यहाँ बंदी नाम से प्रसिद्ध कोई विद्वान है जो वाद विवाद के मर्म को जानने वाले कितने ही वृद्ध ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हरा कर वश में कर लेते हैं और फिर आप ही के दिए हुए विश्वसनीय पुरुषों द्वारा उन सबको निशंक होकर पानी में डुबवा देते हैं। मैं ब्राह्मणों के समीप यह समाचार सुनकर अद्वैत ब्रह्मक विषयम वर्णन करने के लिए यहाँ आया हूँ। वे बंदी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जैसे सूर्य ताराओं की ज्योति को विलुप्त कर देते हैं। राजा बोले, ब्राह्मण कुमार, तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना ही बंदी को जीतने की इच्छा रखते हो। जो प्रतिवादी के बल को जानते हो वे ही ऐसी बातें कह सकते हैं। वेदों का अनुशीलन करने वाले बहुत से ब्राह्मण बंदी का प्रभाव देख चुके हैं। तुम्हें इस बंदी की शक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे जीतने की इच्छा कर रहे हो। आज से पहले कितने ही विद्वान ब्राह्मण बंदी से मिले हैं और जैसे सूर्य के सामने ताराओं का प्रकाश फीका पड़ जाता है उसी प्रकार वे बंदी के सामने हतप्रभ हो गए हैं। तात, कितने ही ज्ञानोन्मत्त ब्राह्मण बंदी को जीतने की अभिलाषा रखकर शास्त्रार्थ की घोषणा करते हुए आए हैं,
किंतु उनके निकट पहुंचते ही उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। इतना ही नहीं, वे पराजित एवं तिरस्कृत हो चुपचाप राज्यसभा से निकल गए हैं। फिर वे अन्य सदस्यों के साथ वार्तालाप ही कैसे कर सकते हैं? अष्टावक्र बोले, महाराज, अभी बंदी को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है, इसीलिए वह सिंह बना हुआ है और निडर होकर बातें करता है। आज मुझसे जब उसकी भेंट होगी, उस समय वह पराजित होकर मुर्दे की भांति सो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे रास्ते में टूटा हुआ छकड़ा जहां का तहां पड़ा रह जाता है, उसका पहिया एक पग भी आगे नहीं बढ़ता। जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। अष्टावक्र बोले, राजन, जिसमें 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा रूपी 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप कालचक्र आपकी रक्षा करे। राजा ने पूछा, जो दो घोड़ियों की भांति संयुक्त रहती है एवं जो बाज पक्षी की भांति हठात गिरने वाली है, उन दोनों के गर्भ को देवताओं में से कौन धारण करता है तथा वे दोनों किस गर्भ को उत्पन्न करती हैं? अष्टावक्र बोले, राजन, वे दोनों तुम्हारे शत्रुओं के घर पर भी कभी न गिरे। वायु जिसका सारथी है, वह मेघ रूप देव ही इन दोनों के गर्भ को धारण करने वाला है और ये दोनों उस मेघ रूप गर्भ को उत्पन्न करने वाले हैं। राजा ने पूछा, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किस में गति नहीं होती? किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है? अष्टावक्र बोले, मछली सोते समय भी आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है, मैं आपको मनुष्य नहीं मानता, आप बालक भी नहीं है, मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूं। वाद विवाद करने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, अतः आपको यज्ञ मंडप में जाने के लिए द्वार प्रदान करता हूं। यही बंदी है जिनसे आप मिलना चाहते थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अष्टावक्रीयोपाख्यान विषयक 133वां अध्याय पूरा हुआ। 134वां अध्याय, बंदी और अष्टावक्र का शास्त्रार्थ। बंदी की पराजय तथा सम्रांग में स्नान से अष्टावक्र के अंगों का सीधा होना। अष्टावक्र बोले, भयंकर सेनाओं से युक्त महाराज जनक, इस सभा में सब ओर से अप्रतिम प्रभावशाली राजा आकर एकत्र हुए हैं, परंतु मैं इन सबके बीच में वादियों में प्रधान बंदी को नहीं पहचान पाता हूं। यदि पहचान लूं तो अगाध जल में हंस की भांति उन्हें अवश्य पकड़ लूंगा। अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने पराजित हुए पंडितों को पानी में डुबवा देने का नियम कर रखा है, किंतु आज मेरे सामने तुम्हारी बोली बंद हो जाएगी। जैसे प्रलय काल के प्रज्वलित अग्नि के समीप नदियों का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने आने पर तुम भी सूख जाओगे, तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। बंदी, आज मेरे सामने स्थिर होकर बैठो। बंदी ने कहा, मुझे सोता हुआ सिंह समझकर न जगाओ, अपने जबड़ों को चाटता हुआ विषैला सर्प मानो। तुमने पैरों से ठोकर मारकर मेरे मस्तक को कुचल दिया है, अब जब तक तुम डस लिए नहीं जाते तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, जो देहधारी अत्यंत दुर्बल होकर भी अहंकारवश अपने हाथ से पर्वत पर चोट करता है, उसी के हाथ और नख विदीर्ण हो जाते हैं, उस चोट से पर्वत में घाव होता नहीं देखा जाता है। अष्टावक्र बोले, जैसे सब पर्वत मैनाक से छोटे हैं, सारे बछड़े बैलों से लघुतर हैं, उसी प्रकार भूमंडल के समस्त राजा मिथिला नरेश महाराज जनक की अपेक्षा निम्न श्रेणी में हैं। राजन, जैसे देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ है और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब राजाओं में एकमात्र आप ही उत्तम हैं। अब बंदी को मेरे निकट बुलवाइए। लोमस जी कहते हैं,
युधिष्ठिर, बंदी के समीप आ जाने पर राजसभा में गरजते हुए अष्टावक्र ने बंदी से कुपित होकर इस प्रकार कहा, मेरी पूछी हुई बात का उत्तर तुम दो और तुम्हारी बात का उत्तर मैं देता हूं। तब बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है, एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का स्वामी यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र बोले, जो दो मित्रों की भांति सदा साथ विचरते हैं वे इंद्र और अग्नि दो देवता हैं, परस्पर मित्र भाव रखने वाले देवऋषि नारद और पर्वत भी दो ही हैं, अश्विनी कुमारों की भी संख्या दो ही है, रथ के पहिए भी दो ही होते हैं तथा विधाता ने एक दूसरे के जीवन संगी पति और पत्नी भी दो ही बनाए हैं। बंदी ने कहा, यह संपूर्ण प्रजा कर्मवश देवता मनुष्य और त्रियक रूप तीन प्रकार का जन्म धारण करती है, ऋक साम और यजु, ये तीन वेद ही परस्पर संयुक्त हो वाजपेय आदि यज्ञ कर्मों का निर्वाह करते हैं, अध्वर्यु लोग भी प्रातः सवन मध्यान्ह सवन और साय सवन के भेद से तीन सवनों का ही अनुष्ठान करते हैं, कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग मृत्यु और नरक ये लोग भी तीन ही बताए गए हैं और मुनियों ने सूर्य चंद्र और अग्नि रूप तीन ही प्रकार की ज्योतियां बतलाई हैं। अष्टावक्र बोले, ब्राह्मणों के लिए आश्रम चार हैं, वर्ण भी चार ही हैं जो इस यज्ञ का भार वहन करते हैं, मुख्य दिशाएं भी चार ही हैं, वर्ण भी चार ही हैं तथा गो अर्थात वाणी भी सदा चार ही चरणों से युक्त बताई गई है। बंदी ने कहा, यज्ञ की अग्नि गार्हपत्य दक्षिणाग्नि आहवनीय सभ्य और आवसत्य के भेद से पांच प्रकार की कही गई है, पंक्ति छंद भी पांच पादों से ही बनता है, यज्ञ भी पांच ही हैं, देव यज्ञ पितृ यज्ञ ऋषि यज्ञ भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, इसी प्रकार इंद्रियों की संख्या भी पांच ही है, वेद में पांच वेणी वाली अप्सरा का वर्णन देखा गया है तथा लोक में पांच नदियों से विशिष्ट पुण्यमय पंचनद प्रदेश विख्यात है। अष्टावक्र बोले, कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि की स्थापना के समय दक्षिणा में छह गौ ही देनी चाहिए, यह छह ऋतुएं ही संवत्सर रूप काल चक्र की सिद्धि करती है, मन सहित ज्ञानेंद्रियां भी छह ही हैं, कृतिकाओं की संख्या छह ही है तथा संपूर्ण वेदों में साध्यस्क नामक यज्ञ भी छह ही देखे गए हैं। बंदी ने कहा, ग्राम्य पशु सात हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं, गाय भैंस बकरी भेड़ घोड़ा कुत्ता और गधा, जंगली पशु भी सात हैं यथा सिंह बाघ भेड़िया हाथी वानर भालू और मृग, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप और जगती, ये सात ही छंद एक एक यज्ञ का निर्वाह करते हैं, सप्तऋषि नाम से प्रसिद्ध ऋषियों की संख्या भी सात ही है यथा मरीचि अत्रि पुलह पुलस्त्य क्रतु अंगिरा और वशिष्ठ, पूजन के संक्षिप्त उपचार भी सात हैं यथा गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन और तांबुल तथा वीणा के भी सात ही तार विख्यात हैं। अष्टावक्र बोले, तराजू में लगी हुई सन की डोरियां भी आठ ही होती हैं जो सैकड़ों का मान तौल करती हैं, सिंह को भी मार गिराने वाले शरभ के आठ ही पैर होते हैं, देवताओं में वसुओं की संख्या भी आठ ही सुनी गई है और संपूर्ण यज्ञों में आठ कोण के ही यूप का निर्माण किया जाता है। बंदी ने कहा, पितृ यज्ञ में समिधा देकर अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन्हें सामिधेनी ऋचा कहते हैं, उनकी संख्या नौ ही बताई गई है, यह जो नाना प्रकार की सृष्टि दिखाई देती है इसमें प्रकृति पुरुष महत्तत्व अहंकार तथा पंचतन मात्रा इन नौ पदार्थों का संयोग कारण है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का कथन है। बृहति छंद के प्रत्येक चरण में नौ अक्षर बताए गए हैं और एक से लेकर नौ अंकों का योग ही सदा गणना के उपयोग में आता है। अष्टावक्र ने कहा,
पुरुष के लिए संसार में 10 दिशाएं बताई गई हैं। 10 सौ मिलकर ही पूरा 1000 कहा जाता है। गर्भवती स्त्रियां 10 मास तक ही गर्भ धारण करती हैं। निंदक भी 10 ही होते हैं। शरीर की अवस्थाएं भी 10 हैं तथा पूजनीय पुरुष भी 10 ही बताए गए हैं। बंदी ने कहा, प्राणधारी पशुओं के 11 विषय बताए गए हैं। उन्हें प्रकाशित करने वाली इंद्रियां भी 11 ही हैं। यज्ञ, याग आदि में यूप भी 11 ही होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 हैं तथा स्वर्गीय देवताओं में जो रुद्र कहलाते हैं उनकी संख्या भी 11 ही है। अष्टावक्र बोले, एक संवत्सर में 12 महीने बताए गए हैं। जगदी छंद का प्रत्येक पाद 12 अक्षरों का होता है। प्राकृत यज्ञ 12 दिनों का माना गया है। ज्ञानी पुरुष यहां 12 आदित्यों का वर्णन करते हैं। बंदी ने कहा, त्रयोदशी तिथि उत्तम बताई गई है तथा यह पृथ्वी 13 द्वीपों से युक्त है। लोमश जी कहते हैं, इतना कहकर बंदी चुप हो गया। तब शेष आधे श्लोक की पूर्ति अष्टावक्र ने इस प्रकार की। अष्टावक्र बोले, केशी नामक दानव ने भगवान विष्णु के साथ 13 दिनों तक युद्ध किया था। वेद में जो अतिशब्द विशिष्ट छंद बताए गए हैं उनका एक एक पाद 13 आदि अक्षरों से संपन्न होता है, अर्थात अति जगती छंद का एक पाद 13 अक्षरों का, अतिशक्वरी का एक पाद 15 अक्षरों का, अतिअष्टि का प्रत्येक पाद 17 अक्षरों का तथा अतिधृति का हर एक पाद 19 अक्षरों का होता है। लोमस जी कहते हैं, इतना सुनते ही सूत पुत्र बंदी चुप हो गया और मुंह नीचा किए किसी भारी सोच विचार में पड़ गया। इधर अष्टावक्र बोलते ही रहे। यह सब देख दर्शकों और श्रोताओं में महान कोलाहल मच गया। महाराज जनक के उस समृद्धिशाली यज्ञ में जबकि चारों ओर कोलाहल व्याप्त हो रहा था, सब ब्राह्मण हाथ जोड़े हुए श्रद्धा पूर्वक अष्टावक्र के समीप आए और उनका आदर सत्कार पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात अष्टावक्र ने कहा, महाराज, इस बंदी ने पहले बहुत से शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पानी में डुबवाया है, अतः इसकी भी वही गति होनी चाहिए जो इसके द्वारा दूसरों की हुई। इसलिए इसे पकड़कर शीघ्र पानी में डुबवा दीजिए। बंदी बोला, महाराज जनक, मैं राजा वरुण का पुत्र हूं। मेरे पिता के यहां भी आपके इस यज्ञ के समान ही 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए ही जल में डुबाने के बहाने कुछ चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैंने वरुण लोक में भेज दिया था। वे सब के सब वरुण का यज्ञ देखने के लिए गए हैं और अब पुनः लौटकर आ रहे हैं। मैं पूजनीय ब्राह्मण अष्टावक्र जी का सत्कार करता हूं, जिनके कारण मेरा अपने पिताजी से मिलना होगा। अष्टावक्र बोले, राजन, बंदी ने अपनी जिस वाणी, प्रवचन पटुता अथवा मेधा बुद्धि बल से विद्वान ब्राह्मणों को भी परास्त किया और समुद्र के जल में डुबोया है, उसकी उस वाक शक्ति को मैंने अपनी बुद्धि से किस प्रकार उखाड़ फेंका है, यह सब इस सभा में बैठे हुए विद्वान पुरुष मेरी बातें सुनकर ही जान गए होंगे। अग्नि स्वभाव से ही दहन करने वाला है तो भी वह ज्ञेय विषय को तत्काल जानने में समर्थ है। इस कारण परीक्षा के समय जो सदाचारी और सत्यवादी होते हैं उनके घरों को छोड़ देता है, जलाता नहीं। वैसे ही संत लोग भी विनम्र भाव से बोलने वाले बालक पुत्रों के वचनों में से जो सत्य और हितकर बात होती है उसे चुन लेते हैं, उसे मान लेते हैं, उनकी अवहेलना नहीं करते। भाव यह कि तुमको मेरे वचनों का भाव समझकर उन्हें ग्रहण करना चाहिए। राजन, जान पड़ता है तुमने लसोड़े के पत्तों पर भोजन किया है या उसका फल खा लिया है, इसी से तुम्हारा तेज क्षीण हो गया है। अतः तुम बंदी की बात सुन रहे हो अथवा इस बंदी द्वारा की गई स्तुतियां तुम्हें उन्मत्त कर रही हैं। यही कारण है कि अंकुश की मार खाकर भी न मानने वाले मतवाले हाथी की भांति तुम मेरी इन बातों को नहीं सुन रहे हो। जनक ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपकी दिव्य एवं अलौकिक वाणी सुन रहा हूं। आप साक्षात दिव्य स्वरूप हैं। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को जीत लिया है। आपकी इच्छा अभी पूरी की जा रही है। देखिए, यह है आपके द्वारा जीता हुआ बंदी। अष्टावक्र बोले, महाराज, इस बंदी के जीवित रहने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है।
यदि इसके पिता वरुण देव हैं, तो उनके पास जाने के लिए इसे निश्चय ही जलाशय में डुबो दीजिए। बंदी ने कहा, राजन, मैं वास्तव में राजा वरुण का पुत्र हूं, अतः जल में डुबोए जाने का मुझे कोई भय नहीं है। ये अष्टावक्र दीर्घकाल से नष्ट हुए अपने पिता कहोड़ को इसी समय देखेंगे। यथार्थ मोक्ष।